श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको प्राचीन ग्रीक सभ्यता से जुड़ी हुई 15 हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जिसको सुनकर आप एक्चुअली में हैरान रह जाएंगे। हमने स्कूल में कई बार पढ़ा है कि फलना शब्द ग्रीक भाषा की शब्द से आया है और इसका मतलब यह है। यह ग्रीक भाषा जिसे यूनानी भाषा और ग्रीस भाषा भी कहा जाता है तो प्राचीन ग्रीक सभ्यता की मुख्य भाषा था। प्राचीन ग्रीस सभ्यता जो यूनानी सभ्यता आधुनिक ग्रीस बुल्गारिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यानी लगभग 1300 साल तक राज करने की वाली सभ्यता थी। पश्चिमी इतिहासकारों के लिए यूनानी सभ्यता हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि आधुनिक पश्चिमी संस्कृतियों की सबसे गहरी जड़ इसी सभ्यता को माना जाता है और इस सभ्यता के बाद आने वाले रोमन साम्राज्य पर भी इसका गहरा असर पड़ा जिसका छाप आज भी देखा जा सकता है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। प्राचीन ग्रीक कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में सरकार और कानून अलग अलग था पर संस्कृति और रहन सहन सब एक जैसा था। ग्रीक का प्राचीन शहर ओलंपिया ही वह शहर है जहां पर 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल शुरू हुए। प्राचीन ग्रीस के दो बड़े शहर थे एथेंस और स्पार्टा। उस समय अगर कोई बच्चा एथेंस में रहता था तो उसे 7 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई के लिए भेजा जाता था और वही बच्चा अगर स्पार्टा में रहता था तो उसे सैनिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत में ग्रीक या ग्रीस को यूनान और वहां के लोगों को यूनानी या यवन कहा जाता था। लोकतंत्र की शुरुआत भी सबसे पहले प्राचीन ग्रीक में ही हुई। तब एथेंस शहर के सभी नागरिक एक जगह इकट्ठा होकर राज्य के फैसले लेते थे। यह व्यवस्था 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं सदी ईसा पूर्व तक यानी लगभग 200 साल तक चली। प्राचीन ग्रीक के लोग नंगे होकर अभ्यास करते थे, फाइट वगैरह से इतनी चीजें होती थी। प्राचीन ग्रीस की 40-80% आबादी गुलामों की थी जिन्हें बाजारों में खुलेआम खरीदा और बेचा जाता था। गुलामों को अक्सर नमक के बदले खरीदा जाता था और महिला गुलामों की कीमत अदा की जाती थी। 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस की अर्थव्यवस्था उस समय के भारतवर्ष के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाला सिकंदर भी ग्रीस के एक राज मकदूनिया का राजा था। उस समय भारत में जहां शुरू गुरु शिष्य का रिश्ता पिता और पुत्र के समान था तो वहीं ग्रीक में यह कभी कभी पति पति या पति पत्नी का बन जाता था। जी हाँ, प्राचीन ग्रीक में अमीर घराने के लड़कों को शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि लड़का और वह व्यक्ति एक दूसरे पर मोहित हो जाते थे और अप्राकृतिक सेक्स संबंध बना लेते थे। प्राकृतिक ग्रीस में इडियट शब्द का मतलब वह व्यक्ति होता था जो एक पॉलिटिशियन नहीं है। प्राचीन ग्रीक में गणित विज्ञान और कला का खूब विकास हुआ था। प्राचीन ग्रीक के कई महान गणितज्ञों पाइथागोरस यूक्लिड और आर्किमिडीज और उनकी खोजों के बारे में हमें आज भी पढ़ाया जाता है। प्राचीन ग्रीस में किसी के ऊपर सेब फेंकने का मतलब होता था वो उससे प्यार करता है। प्राचीन ग्रीस में धर्म के लिए कोई शब्द नहीं था। स्कूल शब्द ग्रीक भाषा से ही आया है जिसका मतलब होता था फ्री टाइम। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।